दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं जो निकल के आ रही है हमदर्द स्टडी सर्कल से। हमदर्द स्टडी सर्कल जहां पे आप जानते हैं कि वहां पे आपको सिविल सर्विसेज की बेहतरीन कोचिंग दी जाती है, बेहतरीन फैकल्टी के साथ एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है दोस्तों जो हर साल आप सभी के दाखिले लेता है और आपको बेहतरीन कोचिंग देने की व्यवस्था करता है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे। मैं अभी हमदर्द स्टडी सर्कल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और आपको बता दूं दोस्तों कि इस साल 2022-23 के जो दाखले होंगे उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। आप इस वेबसाइट में हूँ और वेबसाइट के नीचे आप जाएंगे, नोटिफिकेशन यहाँ पे है, इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन को ऑन करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ जो खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे आप जाएंगे यहाँ पे लिखा है कि अब तक 627 कैंडिडेट यहाँ से कोचिंग लेके सिविल सर्विसेज निकाल चुके हैं और आप भी एक हो सकते हैं जो यहाँ से कोचिंग लेके आप भी सिविल सर्विसेज कोचिंग निकाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो आपको ध्यान में रखनी है, फॉर्म निकल चुकी है ठीक है और लास्ट डेट 31 मई है। आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना कीजिए और फॉर्म भर दीजिए ठीक है। मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको अपडेट करता रहूं ठीक है, इसी तरह सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी तो डेट का ध्यान रखिए। और जहां तक एंट्रेंस टेस्ट का सवाल है दोस्तों, एंट्रेंस टेस्ट कब होगी उसके अनाउंसमेंट जल्द कर दी जाएगी हमदर्द स्टडी सर्कल की ऑफिशियल वेबसाइट पे और मैं यहां बैठा हूं। आपको पता है दोस्तों मैं हर एक अपडेट देता रहता हूं आपको, लेकिन फिर भी मैं एक आपको टेंटेटिव डेट बता देता हूं कि टेंटेटिवली आप जुलाई में मान लीजिए जुलाई में टेस्ट होगी और कब होगी एक पार्टिकुलर डेट तो नहीं लेकिन जुलाई में हो सकती है। हर साल की तरह हमदर्द स्टडी सर्कल का यही शेड्यूल रहता है। एनीवेज मैं हूं यहां बैठा और आपको एक एक चीज़ बताता रहूंगा हर एक अपडेट। 28 टेस्ट सेंटर है यहां पे, आप देख सकते हैं आप जहां पे नियरेस्ट है वहां पे आप टेस्ट सेंटर दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म आपको यहां पे मिल जाएगा इस वेबसाइट पे, आपको पता ही है ठीक है। अब दो तीन चीज़ें ये है कि कोई भी आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो बाय पोस्ट नहीं होगी, आपको ऑनलाइन ही ईमेल वगैरह पे आएगा कम्युनिकेशन, तो किसी पोस्ट का इंतज़ार ना करें ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है दोस्तों, टेस्ट सेंटर एक बार आपने जो भर दिया उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लियरली लिखा है। एडमिट कार्ड विल बी इंटीमेटेड सब्सिक्वेंटली ऑन योर वेबसाइट। देखिए वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है। एडमिट कार्ड टेस्ट से एक महीने पहले आ जाता है, यानी अगर जुलाई में है तो जून में एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगी। और भी अगर इसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गोरखा शर्मा जी हैं और तस्लिमा फातिमा मैम हैं, उनका नंबर यहाँ दिया है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें टेस्ट को लेके जिसको आप में से कई लोगों को पता होगा, फिर मैं बता दूं जो नए स्टूडेंट हैं बिगनर्स हैं। देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, तीन पेपर होते हैं, लाइक जनरल स्टडीज़ बिल्कुल प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन जो होती है ना यूपीएससी पैटर्न में बिल्कुल वैसा ही होगा। पेपर वन में आपको जनरल स्टडीज़ के 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों। सी सेट क्वालिफाइंग है जिस तरह यूपीएससी प्रीलिम्स की होती है एग्जाम से, 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, क्वालिफाइंग 33% आपको लाने हैं। उसके बाद एसे 100 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं, 1 घंटे का एसे का पेपर होगा। ये सारे जो तीनों पेपर होंगे सेम डेट पे हो जाते हैं, एक ही दिन में होंगे ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, उसके अलावा एसे पेपर की कॉपी जो होगी वो सिर्फ 700 स्टूडेंट के ही चेक होंगे। अब 700 स्टूडेंट वो होंगे जिनकी जनरल स्टडीज़ में जनरल स्टडीज़ के जो मार्क्स हैं वो अच्छे होंगे, उनको ही उनके ही पेपर ऐसे कॉपी चेक होंगे। उसके बाद फाइनल रिजल्ट बनेगा एंड देन यू विल कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। द टेस्ट फॉर ऑल थ्री पेपर्स विल बी कंडक्टेड सेम डेट, जैसे मैंने आपको बताया था। ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है पेपर वन और पेपर टू के, आपके जब फॉर्म फिल करेंगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं ले जाना जब एग्जामिनेशन होगी ठीक है। इसके अलावा कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस रिटन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। देखिए रिटन टेस्ट होगी, उसके पर्सनैलिटी टेस्ट होगी। देखिए फैसिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे आपको सिंगल रूम मिलती है, डबल रूम मिलती है, लड़कों के लिए अलग रूम है, लड़कियों के लिए अलग रूम है। अगर आप एडिशनल खर्च करना चाहते हैं तो आपको एसी रूम भी मिल जाएगी। 24/7 आपको वाईफाई फ्री मिलती है, लाइब्रेरी मिलती है, लाइब्रेरी का एक्सेस मिलता है। अब यहाँ पे एडमिशन के कुछ रूल्स हैं, वैसे स्टूडेंट कैंडिडेट इन हमदर्द स्टडी सर्कल विल नॉट साइमल्टेनियसली परस्यू एनी एकेडमिक प्रोग्राम। देखिए अब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि सर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूँ, जामिया मिलिया की आरसीएम पढ़ रहा हूँ या फिर हमदर्द, तो साथ में कोई अलग
कोशिश कर सकता हूँ, परसों कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आप हमदनी सर्किल में कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज नहीं कर सकते, द शेड्यूल ऑफ आवर कोचिंग लेट डाउन इन हमदनी सर्किल विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, कैंडिडेट विल फॉलो ऑल रूल एंड रेगुलेशन ऑफ हमदनी। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता है। देखिए फॉर्म, अब यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म, ये फॉर्म है, यहाँ से आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, इसको क्लिक करेंगे इससे इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट को फॉर्म भरने में बहुत दिक्कतें हुई थी, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है एक एक करके, तो इसका यूज़ करके आप आराम से फॉर्म भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, लाइक प्लीज़ कीप ऑल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइटम्स बिफोर अप्लाइंग, अप्लाई करने से पहले ये सब चीज़ें, ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर ईमेल आईडी फंक्शनिंग जो इसको आप यूज़ करें, मोबाइल नंबर, उस आपकी फोटो स्कैन कॉपी, स्कैन फोटो कॉपी होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब चीज़ तो आप पता ही है, हेल्प डेस्क नंबर, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। हाउ टू कम्प्लीट हमदनी सर्किल फॉर्म 2023, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई, इसको देख के आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड आपको एक महीने पहले आएगी, रिटर्न टेस्ट के, रिटर्न टेस्ट जुलाई में होने वाले हैं जहाँ तक मुझे पता है, और आपको पता है दोस्तों मेरी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो बहुत ही ऑथेंटिक और सही होती है लगभग। और ऐसे का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, हमने शुरुआत कर दी, हर साल की तरह टॉप 20 ऐसे आपको दो वीडियो मैं निकाल चुका हूँ, एक वीडियो और, एक या दो वीडियो मैक्सिमम और आएगी और आपकी जो टॉप 20 ऐसे बन जाएगी। और फाइनली लास्ट टाइम पे मैं, लास्ट क्या मतलब आई थिंक मई के लास्ट में आपको टॉप 20 ऐसे दे दूंगा, बस उस ऐसे की तैयारी कीजिएगा। तो आपके जितने भी रेसिडेंशियल कोचिंग, चाहे जामिया हमदर्द हो, हमदर्द सरकी या फिर हज भवन, ये सारी चीज़ें हर जगह यूज़ होगी जैसा कि आपको बताइए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी, हमें लगा कि आपको वक्त रहते बता दूँ ताकि आप फॉर्म भर दें, डिले मत कीजिए, लास्ट डेट 31 मई है, लेकिन इसका इंतजार मत कीजिए, आप फॉर्म आज ही भर दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ आऊँगा, इसके बाद जल्द फॉर्म आने वाला है जामिया आरसीए का और भी बहुत सारे आरसीए का, तो हमारे चैनल में बने रहिए, हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वैसी इन्फॉर्मेशन जिसकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती, आपको न्यूज़पेपर मिलती है, जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल के कंटेंट दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको दी जाती है, साथ में गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स होते हैं उसकी नोटिफिकेशन भी वहाँ पे हम दिया करते हैं आप टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक लिए शुक्रिया।